उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के झारखंड आगमन को लेकर, धनबाद आगमन को लेकर धनबाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आज तमाम जो सुरक्षा में जवान तैनात रहेंगे, जो पदाधिकारी तैनात रहेंगे, जो मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे, उनकी ब्रीफिंग डीआईजी स्तर के पदाधिकारी, आईएसएसपी और डीसी के द्वारा की जा रही है। सामने मंच पर उपायुक्त ब्रीफ कर रहे हैं और इसके अलावे जो सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान, पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं, जो स्पेशल फोर्स के जवान पहुंचे हैं, उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है कि किस तरह से पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्हें सुरक्षा व्यवस्था में अपने आप को न्यौछावर करके रखना है, कैसे उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी है, किन किन गलतियों को नहीं करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है। तमाम सामने में पूरा जो बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर पूरे राज्य भर से जो जवान आए पहुंचे हैं, जो पदाधिकारी पहुंचे हैं, वो तमाम लोग ब्रीफिंग को सुन रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि पहला यह जो दौरा है उपराष्ट्रपति का, इसको लेकर जिला प्रशासन ने बेहतर तरीके से तैयारी को अंजाम देने का कार्य शुरू किया है। और अगर हम बात करें उपायुक्त की, तो उनके उनकी ब्रीफिंग अभी चल रही है। एसएसपी ने थोड़ी देर पहले ब्रीफिंग की है, उन्होंने सीधे तौर पर सबों को अलर्ट किया है कि जो लोग भी आईआईटी आईएसएम के ड्यूटी में रहेंगे, कन्वोकेशन सेंटर पर रहेंगे, वहां पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं देना है जिसके पास आई कार्ड नहीं हो। इसके अलावा कन्वोकेशन में किसे रखना है, किसे नहीं रखना है, इसका भी ख्याल उन्हें रखना है। अब ब्रीफिंग जो है वह समाप्त हो चुकी है, हम सीधे प्रयास करेंगे कि उनसे बात करें, जो भी पदाधिकारी हम मौजूद हैं उनसे बात करने का प्रयास करें। देखिए, बेसिकली आईआईटी आईएसएम धनबाद में जो है आज फाउंडेशन डे है, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय जी का आगमन होना है और कल उनका जो है कॉन्वोकेशन सेरेमनी है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल गवर्नर दोनों यहाँ पर आएंगे। तो उसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर आज जो फोर्स और मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन की जा रही है, तो उसका यहाँ पे हम लोगों ने ब्रीफिंग रखा था। उन सभी लोगों को जो उनका पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स के बारे में बताया गया, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, वो बताया गया। उन सभी लोगों को डायरेक्शन दिया गया है कि पूरी तरह से वो मुस्तैद रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, सिंसियर रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे अपने वर्क पे। साथ ही साथ जो रूट लाइन्स हम लोगों ने बनाए हैं उनको ले जाने के लिए, उन रूट लाइन्स की ब्रीफिंग उनको की गई है। बैरिकेडिंग के बारे में, ड्रॉप गेट्स के बारे में, ट्रैफिक ब्लॉकेडेड्स के बारे में जो है हम लोगों ने है उसके बारे में भी उन लोगों को बताया गया है, और जो भी अलग अलग तरह की जानकारियां रहती हैं वो सभी उनको दिया गया है। देखिए, मोर और लेस हम लोगों का प्रिपरेशन पूरी तरह से हम लोगों ने कर लिया है और एक फाइनल टचअप जो है वो दिया जा रहा है, जो कि हम लोग श्योर है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में जो फाइनल टचअप है वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। सभी लोगों को सभी प्रकार की ब्रीफिंग्स दे दी गई है, सभी प्रकार के जो एक्सेसरीज थे वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जो बैरिकेडिंग्स, ड्रॉप गेट्स बनाए जाने हैं वो सभी इन प्रोग्रेस है और नेक्स्ट 24 आवर्स में सभी जगहों पर सभी कुछ रेडी हो जाएंगी। हेलीपैड पे जो व्यवस्था की जानी है वो सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर दिया है। कल मॉक ड्रिल भी कर लिया गया है, ट्रायल लैंडिंग कर लिया गया है। साथ ही साथ आईएसएम में जो कार्यक्रम स्थल है उसका भी हम लोगों ने जायजा लिया है और वहां पर भी जो है ड्राई रन पूरे कार्यक्रम का अभी किया जा रहा है, उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ शहर की साफ सफाई जो है, रोड की मरम्मती जो है, चाहे एनएच हो या हमारे शहर की सड़क हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, उन सभी चीजों को सुनिश्चित कर लिया गया है। वो बनाया जा रहा है, उसको ऑलरेडी डायरेक्शन दिया हुआ है, वो कम्प्लीट। हाँ, बेसिकली लाइट का हम लोगों ने कहा, एक जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको हम लोग सभी को मरम्मत किए हैं जो जो लगे हुए हैं। एनएच में कुछ एक पोर्शन है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगे हुए हैं, बाकी इसके अलावा शहर का जो पूरा एरिया है उसमें स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं। सभी का जो खराब थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने के लिए भी डायरेक्शन दिया गया है। सिविल सर्जन को जो है एम्बुलेंस के लिए, डॉक्टर्स की प्रतिनियुक्ति के लिए, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो ब्लड ग्रुप के व्यक्ति हैं उनके लिए, उन सभी चीजों के लिए डायरेक्शन दे दिया गया है। साथ ही साथ एसएनएमसीएच को फुल अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। साथ ही सीएचसी गोविंदपुर, निरसा और मैथन हॉस्पिटल को भी अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। हाँ, वाहनों की एंट्री को लेकर के भी हम लोगों ने एक ट्रैफिक ब्लैकेट्स किया है। पहले तो वाहनों की पार्किंग को हम लोगों ने 24 घंटे पहले से खत्म कर दिया है कि कहीं पे सड़क पे, एनएच पे या अंदर में कोई वाहन पार्किंग नहीं रहेगा। बाकी शहर के जो दुकान वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे करीब 3-4 घंटे पहले से हम लोग वाहन की पार्किंग को खत्म कर देंगे ताकि रोड को क्लीन किया जा सके। कुछ एक ट्रैफिक के जो है नो एंट्रीज बनाए गए हैं
जो वीआईपी मूवमेंट के समय के लिए, उसको हम लोगों ने पीआरडी से पब्लिश भी करवा दिया है, ट्रैफिक डीएसपी ने वो कर दिया है। और साथ ही साथ जिस समय वाइस प्रेसिडेंट का मूवमेंट होगा कारगेट का, वीआईपी कारगेट का, उसके 15 मिनट्स प्लस माइनस में जो है सो हम लोग एंट्री को बंद रखेंगे। मजिस्ट्रेट हम लोगों ने जो है सो 60 प्लस की संख्या में लगाया है और सुरक्षा कर्मी फोर्स और ऑफिसर्स मिला करके अराउंड 3000 है। कुल कितने एक्स बीमारी थे? आई थिंक 6 है, बाहर से आए, बाहर से 6 आए। आईपीएस ऑफिसर अलग से आए, उसके अलावे करीब 30 डीएसपी और 4000 अराउंड 4000 लोग हैं जो कल की ड्यूटी में पूरी तरह से लगे हुए हैं। और हम लोगों ने सभी व्यवस्था का ऑलरेडी एक बार निरीक्षण कर लिया है, सभी अफसर और पदाधिकारियों की ब्रीफिंग भी की गई है और सबको उनकी ड्यूटीज को समझा भी दिया गया है। हमारी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और हम लोगों ने बंदोबस्ती सभी जगह पे सभी पॉइंट पे प्रॉपर टाइम पर जो उनकी स्पेशल सिक्योरिटी टीम है उसके साथ हम लोग संपर्क में है, वो भी अपनी जगह। हम लोग काफी पदाधिकारी आए हैं अगल बगल से हो या जाप के हों, आसपास के जो हमारे जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं वो लोग भी आए इसमें। सर हम लोगों ने जो ये ट्रैफिक प्लान ऑलरेडी बनाया है, ट्रैफिक प्लान आप लोगों को पेपर में भी या जो मीडिया को भी इसके साथ हम लोग उसको शेयर कर लेंगे। और इस संबंध में हम लोगों ने जो गूगल मैप्स है उसको भी हम लोगों ने दे दिया है ताकि भाई जगह कोई बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको पता चले कि किस वक्त यहाँ पर ये रोड नहीं चलता रहेगा, तो ताकि वो उनके गूगल मैप्स में भी ये शो करेगा कि कितने बजे से जो हमारा जो वीआईपी टाइमिंग उस टाइमिंग पे गाड़ियों को किधर डालवा। तो हम लोग इस बारे में प्रॉपर प्लान। थोड़ी देर पहले उपायुक्त और एसएसपी ने तमाम जो पुलिस के पदाधिकारी यहां पहुंचे हैं उन्हें ब्रीफ किया और उसके बाद मीडिया कर्मियों से बात की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वह मुकम्मल है, जो थोड़े बहुत काम है उसे आज पूरा कर लिया जाएगा। डीसी और एसएसपी दोनों ने ही बताया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसएनएमसीएच को धनबाद सदर अस्पताल के साथ साथ जो अपना सीएससी गोविंदपुर, निरसा और मैथन है उसे भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। इसके अलावा सुरक्षा में कुल 4000 बाहर से जो जवान पहुंचे हैं वो तैनात हो रहे हैं, सैकड़ों संख्या में पुलिस के पदाधिकारी पहुंचे हैं, 60 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और कुल 6 आईपीएस जो दूसरे जिले से आए हैं उनकी जिम्मेवारी होगी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना और तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देना। इसके अलावे कुल धनबाद जिले में जो 4-5 आईपीएस हैं वो लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इसके अलावे जो तमाम पदाधिकारी हैं पुलिस के वो यहाँ मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा कार्यक्रम है कोयलांचल धनबाद के लिए, उपराष्ट्रपति का आगमन है। इससे पूर्व 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आए थे और उसके बाद एक कोई बड़ा यह कार्यक्रम है जो कि धनबाद जिला प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं साक का विषय है और यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम को संपन्न कराया जाए इसको लेकर धनबाद जिला प्रशासन, धनबाद पुलिस ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि आईआईटी आईएसएम का 43वां दीक्षांत समारोह आयोजित होना है और इसमें करीब 1250 से अधिक छात्रों को डिग्री दी जानी है, कुल 39 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा जो कि उपराष्ट्रपति के हाथों से दिया जाएगा। तो इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर के कल का जो कार्यक्रम है वह करीब करीब 4 बजे शुरू हो जाएगा और 6:30 बजे तक वह कार्यक्रम चलेगा। इसी बीच उपराष्ट्रपति का आगमन होना है और ये तमाम जो तैयारियां हैं उन्हीं के आगमन को लेकर है। तो किस तरह से धनबाद जिला प्रशासन पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराती है और आज जो ब्रीफिंग हुई है उस पर जो जवान है वो किस तरह से अमल करते हैं ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन धनबाद कोयलांचल के लिए यह एक बड़ा उत्सव का माहौल है। धनबाद जिला प्रशासन ने भी साफ सफाई के मामले में तमाम कार्यों को कर लिया है, रंग रोगन कराए गए हैं, शहर बिल्कुल साफ दिख रही है, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है, जो अनावश्यक बड़े वाहन है उन्हें कहीं ना कहीं रोक दिया गया है कि उनका जो आगमन होगा राष्ट्रपति के कार्यक्रम के प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व उनके बड़े वाहनों की एंट्री जो है शहर में बंद हो जाएगी। इसके अलावा एनएच पर भी वाहनों की संख्या जो है वह नियंत्रित रहेगी और कई जगहों पर 125 से अधिक बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। हम अपने दर्शकों को लगातार उपराष्ट्रपति के दौरे से जुड़े हुए समाचारों को अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। राजकुमार सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज बाइसेस्कोप धनबाद। हर्ष रीजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रीजेंसी। 26 AC एंड नॉन AC रूम्स,
मल्टी-क्यूज़ीन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रीजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रीजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।